टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई भाजपा ने ध्वनि प्रदूषण का हवाला देते हुए लाउड स्पीकर से अजान देने पर रोक लगाने की मांग की है। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष व विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने इस सिलसिले में मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे से मुलाकात की है। बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुंबई पुलिस की ओर से ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन विविध कारणों से मुंबईकरों को ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। इन कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान जो दी जाती है वो भी है। ज्ञापन के अनुसार लाउड स्पीकर से अजान के दौरान जोरदार आवाज होने के कारण ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। अब जरा सोचिए कि चंद मिनटों में होने वाली अजान से कुछ फिरका परस्त नेताओं को छोड़कर आम जनता को कभी भी तकलीफ नहीं हुई है, बल्कि आज तक लोग ये कहते हुए सुने गए हैं कि अजान की आवाज़ सुनकर उनके दिल को सुकून मिलता है। जमीयत उलमा हिंद के मुमरा के सदर मौलाना वहाब कासमी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि फिरका परस्त लोग माहौल देश का खराब करने पर तुले हुए हैं। पाबंदी अगर लगानी है तो मस्जिद में होने वाली अजान के लाउड स्पीकर पर नहीं, बल्कि त्योहारों के नाम पर फुल आवाज में सड़कों पर डीजे बजाना और हुड़दंग मचाना काफ़ी प्रदूषण फैलता है। इससे किसी भी समुदाय का त्यौहार क्यों ना हो, इस तरह के त्यौहारों पर बजाने वाले डीजे और हुड़दंग मचाने पर पाबंदी लगनी चाहिए, ना कि चंद मिनट के लिए जो अजान होती है उस पर पाबंदी लगाई जाए। जमीयत उलमा हिंद के मुमरा के सदर मौलाना वहाब कासमी ने क्या कहा है सुनिए। मौलाना साहब, बीजेपी के कुछ नेता हैं जो अजान पर पाबंदी लगाने को लेकर लाउड स्पीकर में अजान ना किया जाए, लाउड स्पीकर बंद हो, इस संदर्भ में जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर को लेटर देकर उन्होंने मांग की है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, अजान तो कोई इतना अहम मसला है नहीं। अजान एक दो मिनट में लोग दे देते हैं और अजान की आवाज़ सुन करके मुसलमान मस्जिद के लिए आते हैं, और इसलिए अजान दी जाती है ताकि लोगों के कानों में बात जाए कि चलो नमाज का वक्त हो गया है और नमाज़ पढ़ने के लिए आप मस्जिद में आ जाएं। नमाज से, अजान से तकलीफ़ होती है। अब आप जानते हैं कि इसी हिंदुस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिरादरान वतन में से, वो कहते हैं कि अजान की आवाज़ सुनकर हमारे दिल को सुकून मिलता है। और बहरहाल मुसलमानों को तो सुकून मिलता ही है, लेकिन बाद फ़िरका परस्त लोग हैं वो मुल्क के हालात को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान में मुनाफिरत पैदा करना चाहते हैं। उनको मीडिया पे बने रहना है कोई ना कोई मुद्दा उठा करके, जिस तरीके से बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर हिजाब था, हिजाब के बाद अभी हलाल गोश्त का मामला आया, ताकि इस तरीके से मुसलमानों को तकलीफ़ दी जाए और हिंदू उनकी बातों से खुश हों। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि हिंदू भी इतने उनकी बातों से खुश नहीं होते हैं, लेकिन अब वो उनका एक तरीका बना हुआ है कि कुछ भी हो पर मुसलमानों के ऊपर डाल दिया जाए, इसलिए वो अजान के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर को उन्होंने लेकिन मुंबई जो है महाराष्ट्र ये सबसे शांति प्रिय माना जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी इस तरह की जो है बातें सामने आने लगी हैं। यहाँ के भी बीजेपी नेता लाउड स्पीकर मस्जिद पर बंद हो इस तरह की मांग करने लगे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की सरकार की जानिब से तो ये सब कोई बातें नहीं आई हुई हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ लीडरान हैं जिन्होंने पुलिस कमिश्नर को लेटर दिया है अजान के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए। अजान के ऊपर पाबंदी लगाना ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, लग नहीं सकती है। और मुसलमान, अभी एक रमज़ान का महीना आ रहा है, हम भी एहतियात बरतेंगे भाई, किसी को तकलीफ़ ना हो, आवाज़ ज़्यादा ना हो और ज़्यादा धूम धड़क का ना हो, किसी को अजान से या उसकी आवाज़ से तकलीफ़ हो। लेकिन ये सिर्फ अजान से ही क्यों तकलीफ़ होती? हवाला दिया जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण होती है। हाँ, ध्वनि प्रदूषण होती है सिर्फ ये पांच वक्त के नमाज अजान देने से, बाकी जो पूरे शहर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर
डीजे बजता है, धूम धड़ाका होता है, पटाखे छोड़े जाते हैं और रोडों पर बड़े दूर दूर तक डीजे बजाया जाता है, उससे नहीं होता है प्रदूषण? उससे भी तो प्रदूषण होता है। तो ये सब सिर्फ फ़िरका परस्ती का मामला है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुसलमान जो भी करेंगे बहुत ही सूझबूझ से करेंगे, किसी को तकलीफ़ भी नहीं होगी, अदान भी होगी और रमज़ान भी गुजर जाएगा। और हम लोग भी चाहेंगे भाई कि धूम धड़का ज़्यादा ना हो, आवाज़ ज़्यादा ना हो, प्रदूषण जिससे ना पैदा हो। कोई भी नहीं चाहता है अभी किसी को कोई तकलीफ़ हो। पुलिस कमिश्नर साहब से हमारे उलमाए किराम भी मुलाकात किए हैं, तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि देखिए ऐसी ऐसी शिकायतें आ रही हैं और ज़रा आप लोग इसका ख्याल कीजिए। उन्होंने उनको भी उम्मीद दिलाया है और कहा है कि हर मुमकिन हम ऐसा करेंगे कि शहर के हालात बिगड़े ना और शहर के अंदर अमन अमान बरकरार रहे, और जहाँ पर ज़्यादा आवाज़ें होती हैं वहाँ ज़्यादा आवाज़ें ना हो। ये सारी तदबीरें उलमाए किराम ने कहा है और इंशाअल्लाह ये सब कर दिया जाएगा।